सो हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक्स हुआ। आपने अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से किसी और को कोई चीज़ भेजा था और दोस्तों आपको वहां पर एक एरर देखने को मिल रहा है जो कुछ इस तरह से हैं, आइटम रिडायरेक्ट इनसफिशिएंट एड्रेस स्पीड पोस्ट, या फिर दोस्तों आइटम रिटर्न इनसफिशिएंट एड्रेस स्पीड पोस्ट। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस तरह का एरर क्यों आता है। शायद आप दोस्तों ट्रैकिंग डिटेल्स में देख रहे होंगे या फिर आपको SMS आया होगा, लेकिन आपने जो चीज़ भेजी है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे इसको कैसे ठीक करेंगे, आखिर ये क्या बला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इस तरह का एरर स्पीड पोस्ट में या फिर रजिस्टर पोस्ट में या फिर इंडिया पोस्ट के किसी और सर्विस में क्यों आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी एक बात है, अगर आपने किसी को भेजा था तो आपने दोस्तों जो भी एड्रेस जहाँ पे लिखना होता है वहाँ पे एड्रेस दोस्तों ठीक से नहीं लिखा होगा। इस एरर का कहने का ये मतलब है कि आपने दोस्तों एड्रेस ठीक से नहीं लिखा था, उस वजह से वो सामने वाले का एड्रेस ढूंढ नहीं पाए और इसीलिए जो चीज़ आपने भेजी थी वो चीज़ वापस आपको दोस्तों रिटर्न कर दी गई है, वो आपके पास वापस आ जाएगी। इस तरह का ये चीज़ हो जाता है। तो दोस्तों आपको अगर सामने वाले के इंसान को पहुँचाना है तो सामने वाले का एड्रेस जो है दोस्तों एकदम सही तरीके से लिखना होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसके बारे में। दोस्तों एक मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि आपको दोस्तों एड्रेस लिख कर पोस्ट कैसे करना है, पूरे 11 मिनट का वीडियो है, उसका लिंक दोस्तों ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और यहाँ पर थोड़े से मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो सामने वाले का नाम सही होना चाहिए। राइट साइड में टू लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में दोस्तों फ्रॉम लिखा जाता है। अब जो आप टू लिखोगे सामने वाले को आप भेज रहे हो तो उसको टू लिखना है, और वहाँ पर दोस्तों उसका सर नेम, उसका नाम और उसके पापा का नाम, पूरा नाम लिखना है आपको। और उसके एड्रेस में दोस्तों सबसे पहले आपको लैंडमार्क लिखना है, जैसे उसके घर के पास कोई पॉपुलर मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, या फिर कोई चौक हो, कोई सर्कल हो, तो ये जो लैंडमार्क है आपको लिखना है। फिर उसके गांव का नाम लिखना है, उसके बाद दोस्तों उसकी तहसील का नाम लिखोगे, उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे और उसके स्टेट का नाम आएगा, और सबसे दोस्तों लास्ट में उसका पिन कोड लिखना है आपको। और पिन कोड दोस्तों थोड़ा सा भी गलत हो गया, सारी चीज़ दोस्तों पिन कोड पे डिपेंड होती है, अगर पिन कोड थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आपकी चीज़ दोस्तों गलत एड्रेस पे जा सकती है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी गलती होगी। यहाँ पर दोस्तों सामने वाले का नंबर भी दोस्तों आपको लिख देना रहता है, अगर आपने नहीं लिखा था नंबर भी लिखना रहता है। और उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इतनी चीज़ें हैं, आपको सही से दोस्तों लिख देना है, आपकी जो भी चीज़ है सामने वाले को पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इधर दोस्तों फॉर्म में भी आपको इसी तरह से अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर सब कुछ अच्छी तरह से दोस्तों लिख देना है। डिटेल में दोस्तों वीडियो बनाया है, उसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगी, जरूर वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप किसी भी पोस्ट को भेजिए, जरूर आपका पोस्ट चला जाएगा और इस तरह से दोस्तों एरर नहीं आएगा। अभी आपके साथ ही एरर आया है तो अभी जो भी आपने भेजा था उसको कैसे ठीक करेंगे, तो आपको दोस्तों पोस्ट ऑफिस पे जाना है और वहाँ पे जाके दोस्तों आपको बताना है कि गलत तरीके से एड्रेस मैंने डाल दिया था, तो आप उनको वापस सही एड्रेस दे दीजिए। अगर वो लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो लोग कर देंगे दोस्तों, और नहीं कर सकते तो दोबारा आप दोस्तों एक नया पोस्ट भेजिए जिसमें आप सही से दोस्तों एड्रेस लिखिए, तब इस तरह का एरर आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों इंडिया पोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जो देखे चैनल पे जाके ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो और दोस्तों कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा ही अच्छा लगा भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियो मैं डेली डालता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन पर आप सेट कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।